भैया ने एक महीने में बाइक दिलवाने का प्रॉमिस किया है मुझे। एक महीना? और फिर एक महीने के बाद कोई नई स्टोरी बनाओगे तुम? You know what? I'm really fed up of all these things. ये घटिया कैंटीन का खाना, तुम्हारे भरोसे मैं बाहर जाके खा भी नहीं सकती। शोभा जितना है उसमें खुश रहना सीखो। तुम्हारे पास है क्या खुश रहने के लिए बताओ? तुम जैसे लोग रिलेशनशिप के लिए नहीं हो। तुम्हारे भरोसे मैं बैठी हूँ। I feel sick about myself. बीच रास्ते में अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। You know what? I'm leaving for class. शोभा, शोभा। चल घर पे छोड़ देता हूँ मैं। नहीं यार मैं चला जाऊंगा। अबे सर पे बिठा कर थोड़े ले जाऊंगा। पहनना। जेम्स, तेरे पापा तो ये सारी चीजें दिलवा देते हैं ना? मेरे पापा? हाँ। अरे वो तो पीने के लिए भी कर्जा लेते हैं यार, मुझे क्या दिलवाएंगे। फिर तू कोई पार्ट टाइम जॉब करता है क्या? तेरा मेरा पार्ट टाइम जॉब एक ही है। प्लीज जॉब के बारे में मुझे बताना, मुझे अर्जेंट में बाइक खरीदनी है यार। डोंट वरी, सिर्फ इतना ही ना, धीरे धीरे सब ले सकते हो। दुनिया एक तरह से 5-star होटल के बफे जैसा है। यहाँ सारे आइटम्स मिलते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। समझ गया? इधर आ। कोई पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तूने पूछा था ना, यही है मेरा पार्ट टाइम जॉब। इससे तू मेरे पास जो मोबाइल है ना, एक नहीं 3 ले सकता। ज्यादा सोच मत, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। कल मिलता हूँ। चलेगा। तुम्हारे पास है क्या खुश रहने के लिए बताओ? तुम्हारे भरोसे मैं क्यों बैठी हूँ? बीच रास्ते पे अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे ना तो आश्चर्य नहीं होगा। कार्तिक! कार्तिक! हाँ माँ। तुम्हारे लिए मैंने दूध रखी है, पी लो बेटा। ठीक है माँ, पीता हूँ। तुम्हारे पिताजी को सेंड लगाने में टाइम निकल जाएगा। माताजी तो रेडी हो गए, लेकिन पिताजी अब तक रेडी हो रहे हैं। उम्र तो 60 की है, लेकिन शौक अब तक कम नहीं हुए हैं। आ रहा हूं, रुको। ये हार वगैरह किस लिए है? पापा, हमने आपकी शादी नहीं देखी है ना, इसीलिए। तो दोबारा शादी कर रहे हो मेरी? लड़की कौन है? वही पड़ोस में रहने वाली पद्मा है। वो पद्मा नहीं है, मारो है। धीरे से बोलिए, अगर माँ ने सुन लिया तो हनीमून कैंसिल। हनीमून की व्यवस्था भी है? तुम्हारे पापा का ओल्ड एज में भी वोल्टेज कम नहीं हुआ। चलिए पापा, इमली सूख जाए पर कटाई नहीं जाती। अच्छा, चलिए आइए। क्या बात है, तेरे बाप को आज कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। आराम से, आराम से। जल्दबाजी में आप गमछा डालना ही भूल गए। आ जाओ। ये लीजिए। हाँ, अब लीजिए। बहुत पहना लीजिए। हे, लीजिए। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो? उठो। ये सब क्या है बेटा? उस भगवान ने मुझे माँ बाप नहीं दिए, लेकिन उनकी कमी आप लोगों से पूरी कर दी उसने। कार्तिक ले आओ। क्या है बेटा? माँ, ये कार्तिक और मैं। अब मैं कहाँ हूँ इसमें? पापा, ये चयन आप हो पापा। तब तो फिर ठीक है। तूने मुझे मारा? इसमें मैंने ही इसे दिलवाया। संजू, इसके बदले उसे जो बाइक चाहिए थी वही दिलवा देता बेटा। माँ, ऑफिस से मेरा लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। पापा की एफडी मैच्योर होती है, वो दिलवाएंगे ऐसा बोले हैं। तब तक तो ये वेट कर लेगा। क्यों रे? ठीक है भैया, ये लीजिए पापा, पहले चैन पहनाइए। अरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुहूर्त निकलने से पहले मंगलसूत्र पहना दीजिए। पहनाइए पापा, चलिए। ये लो। ये।
कार्तिक मैं यहाँ हूँ। माँ भैया कहाँ है? माँ वो चला गया, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मैंने तुम्हारे लिए पैसे रखे हैं, जाओ ले लो तुम और आज बस से चले जाओ। माँ मुझे बस से नहीं जाना, मैं कितनी बार बोलूँ आपसे। बस से नहीं जाओगे? एक दिन बस में जाने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पहले बस आने का वेट करो, फिर उसमें धक्के खाते हुए लटकते हुए जाओ, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। माँ कितनी बार कहूँ कि मुझे बाइक दिलवा दो। तू बड़ा अंबानी का बेटा है क्या जो 1.5 लाख की बाइक में ही जाएगा? तुम्हारे भाई के पास जो बाइक है वैसी वाली मांग, मैं कल ही दिलवा दूंगा। मुझे सिर्फ जिक्सर बाइक ही चाहिए। ए, तुझे इतनी महंगी बाइक चाहिए? तेरे भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तू खुद ही सोच कार्तिक। बस मेरे लिए पैसे नहीं है, इनको एलईडी टीवी और तुम्हें सोने की चेन दिलवाई ना भाई ने, ये सब बेचकर बाइक दिलवा दो मुझे। एक थप्पड़ लगाऊंगा अभी। अरे सुनिए, बच्चे को कोई डांटता है क्या? बच्चा है ये बच्चा, यही बोल बोलकर इसे बिगाड़ा है तुमने, यूज़लेस फेलो। ए एक कार्तिक, कार्तिक सुनिए जी, हमें चाहे कितना भी कष्ट हो, उसे जो बाइक चाहिए आप उसे दिलवा दीजिए प्लीज। सावित्री तुम शायद जानती नहीं हो, बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए लेकिन हद से ज्यादा नहीं। थोड़े दिनों के बाद वो खुद समझ लेगा। तुम चुप रहो।